नेक्स्ट टॉपिक है SDLC यानी कि सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। यहां पर सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के बारे में हम समझेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि सिस्टम किसे कहा जाता है। तो सिस्टम का अर्थ मतलब प्रणाली से है, प्रणाली यानी कि तंत्र। सिस्टम हर उस वातावरण या हर उस मशीनरी को कहा जाता है जहां पर एलिमेंट्स की संख्या एक से ज्यादा हो, जहां पर पार्ट्स तत्व एक से ज्यादा हो। जैसे हम कंप्यूटर को कंप्यूटर सिस्टम कहते हैं, पूरा नाम उसका कंप्यूटर सिस्टम कहा जाता है, क्योंकि कंप्यूटर में कंप्यूटर नाम की तो इनफेक्ट कोई चीज होती ही नहीं है। बजाय इसके कंप्यूटर में कई सारे पार्ट्स हैं, जैसे कीबोर्ड है, माउस है, रैम है, रोम है, मॉनिटर है, तो ये सारे पार्ट्स मिलकर के कंप्यूटर को बनाते हैं। तो इसीलिए कंप्यूटर का पूरा नाम कंप्यूटर सिस्टम है। तो सिस्टम हर उस प्रणाली को या हर उस मशीनरी को या हर उस वातावरण को कहा जाएगा जहां पर तत्वों की संख्या, एलिमेंट्स की संख्या, पार्ट्स की संख्या एक से ज्यादा हो, और जहां पर ये सभी पार्ट्स मिलकर एक साथ एक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए काम कर रहे हो। बात कंप्यूटर सिस्टम तक ही सीमित नहीं है। यदि हम ह्यूमन बॉडी की बात करें, मनुष्य के शरीर की, तो मनुष्य का शरीर भी एक भाग से मिलकर नहीं बना है, कई सारे भाग हैं जो ह्यूमन की बॉडी को बनाते हैं, इसलिए ह्यूमन बॉडी भी एक तरह का सिस्टम है। इसके अलावा यदि हम सोलर सिस्टम की बात करें यानी सौर मंडल की, तो सौर मंडल में भी कोई एक चीज नहीं है, कई सारी गैलेक्सीज हैं, कई सारे स्टार्स हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो सौर मंडल को बनाते हैं। तो यहां यूं समझ लीजिए कि बात केवल कंप्यूटर की ही नहीं है, बात यह है कि हर वो चीज जहां पर तत्वों की संख्या एक से ज्यादा हो। जैसे हम पुलिस डिपार्टमेंट की बात करें तो पुलिस डिपार्टमेंट भी अपने आप में एक तरह का सिस्टम है, क्योंकि स्वाभाविक है वहां पर भी कोई एक व्यक्ति नहीं है, वहां कई सारे लोग हैं जो मिलकर के पूरे सिस्टम को डेवलप करते हैं। तो यहां सबसे पहले ये समझ लीजिए कि सिस्टम क्या है। सिस्टम में, जैसा कि बार बार आपको बताता हूं, सिस्टम वो प्रणाली है या वो मशीनरी भी हो सकती है, वो वातावरण भी हो सकती है, वो हर चीज हो सकती है जहां पर कोई एकल सिंगल एलिमेंट नहीं हो, जहां कई सारे एलिमेंट्स हो मिलकर एक उद्देश्य के लिए कार्य कर रहे हो, उन सभी को सिस्टम के नाम से जाना जाता है। अब इस टॉपिक में यही हमको समझना है कि सिस्टम का विकास आखिरकार कैसे होता है, किस तरह सिस्टम बनाया जाता है, या जो प्राकृतिक रूप से नेचुरली सिस्टम बने हुए हैं वो आखिरकार कैसे बने। तो इसका पूरा एक जीवन चक्र है सिस्टम के बनने का, सिस्टम के डेवलप होने का पूरी एक लाइफ साइकिल है, और इस पूरी लाइफ साइकिल को ही सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के नाम से जाना जाता है। ये ग्राफिक आप देख सकते हैं जो कि सिस्टम की लाइफ साइकिल को दर्शाता है। हालांकि मैं इसमें एक एक स्टेप को आप समझाऊंगा, फिलहाल आप चाहें तो इस डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं। सिस्टम डेवलप करने की सबसे पहली स्टेप कहलाती है इनिशियल इन्वेस्टिगेशन, यानी कि शुरुआती जांच पड़ताल। देखिए, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि सिस्टम बनाया क्यों जा रहा है। कोई भी वर्क या कोई भी टास्क हम आमतौर पर तभी करते हैं जब हमें किसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना हो, जब किसी चीज को हमें सुलझाना हो, जब कोई काम हमें करना हो, हमें कोई प्रॉब्लम पता हो, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम किसी टास्क को परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर भी वही बात है कि यदि हमें सिस्टम को डेवलप करना है तो सिस्टम को डेवलप करने का सबसे पहला चरण कहलाता है इनिशियल इन्वेस्टिगेशन। इनिशियल यानी कि शुरुआती, इन्वेस्टिगेशन मतलब जांच पड़ताल। तो शुरुआती जांच पड़ताल में सबसे पहले यही जाना जाता है कि आखिरकार समस्या है क्या। देखिए यहाँ ये चीज लिखी हुई है कि सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का प्रथम चरण सिस्टम की वास्तविक समस्या का पता लगाना है। सिस्टम में प्रॉब्लम को जाने बिना आगे कोई भी प्रयास निष्फल रूप ही रहेगा, निष्फल ही रहेगा, क्योंकि जब तक हमें प्रॉब्लम पता नहीं होगी तब तक हम उसको सॉल्व करने के लिए स्टेप्स तैयार नहीं कर सकते। तो ये है पहली स्टेप, यानी कि इनिशियल इन्वेस्टिगेशन। कई बार ऐसा भी होता है कि कभी कोई सिस्टम पहले से बना हुआ हो लेकिन सही तरीके से काम नहीं कर रहा हो, तो हमें उस सिस्टम को रीडिजाइन करना हो या उसके बजाय कोई दूसरा नया सिस्टम बनाना हो, उस परिस्थिति में भी हमको पहले जो सिस्टम काम नहीं कर रहा है उसकी परेशानियों को समझना पड़ेगा। कुल मिलाकर शुरुआती जांच पड़ताल में यह जाना जाएगा कि आखिरकार हमें समस्या क्या है और किस समस्या के समाधान के लिए हम इस सिस्टम को डिजाइन करना चाहते हैं। अगला स्टेप है फिजिबिलिटी स्टडी। फिजिबिलिटी स्टडी को हिंदी में कहा जाता है साध्यता अध्ययन। साध्यता अध्ययन में यह जाना जाता है कि हो सकता है कि अगर हम किसी पुराने सिस्टम में सुधार कर रहे हैं
या पुराने सिस्टम में हमें कोई समस्या दिखती है, तो यहाँ पर यह जानने का प्रयास किया जाता है कि क्या उसी सिस्टम को सही करने से काम चल जाएगा कि हमें पूरी तरह से नया सिस्टम बनाना है। तो साध्यता अध्ययन में सिस्टम को साधने के बारे में सोचा जाता है कि हो सकता है कि पुराने सिस्टम में कुछ अगर आवश्यक सुधार कर लिए जाएं तो हो सकता है कि नया सिस्टम बनाने की आवश्यकता भी ना पड़े और उससे काफी पैसा बचता है, समय की बचत होती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि जब लगता है कि पुराने सिस्टम में कितना भी सुधार कर लिया जाए वो समस्या का समाधान नहीं कर पाएगा, तो उस परिस्थिति में फिर नया सिस्टम बनाने के अलावा हमारे सामने कोई विकल्प रहता नहीं है। तो फिजिबिलिटी स्टडी में कुल मिलाकर पूरी तरह से अध्ययन किया जाता है और समस्याओं के ओवरव्यू को समझा जाता है कि आखिरकार इस चीज को हमें किस तरह से सॉल्व करना है। थर्ड स्टेप है सिस्टम एनालिसिस। यहाँ पर एनालिसिस का मतलब होता है इंफॉर्मेशन प्राप्त करना, यानी कि जैसे हम एक शब्द बोलते हैं सेल्फ एनालिसिस, यानी कि स्वयं के बारे में जानना, ऐसे सिस्टम एनालिसिस का मतलब होता है सिस्टम के बारे में जानना। जब कभी हम अपना सिस्टम डिजाइन करना चाहते हैं तो हम उसके जैसे समान सिस्टमों के बारे में जरूर जानकारी लेना चाहते हैं ताकि हम उन सिस्टमों की अच्छाइयों को देखकर अपने सिस्टम में उतार सकें, और अगर उन सिस्टमों में किसी तरह की कोई गलतियां हैं तो हम प्रयास करेंगे कि वो गलतियों की पुनरावृत्ति या रिपीटेशन हमारे सिस्टम में ना हो। जैसे मान लीजिए कि कोई गवर्नमेंट को कोई नई पॉलिसी लागू करनी है, नया सिस्टम लागू करना है, तो स्वाभाविक है कि वो इस तरह ये जानने की कोशिश करेंगी कि इस तरह का सिस्टम कहीं और लागू किया गया है या नहीं। अगर कहीं और ये सिस्टम लागू किया गया है तो वहां पर क्या एडवांटेजेस थे या वहां क्या डिसएडवांटेजेस रहे, क्या साइड इफेक्ट्स रहे। तो जब हम कोई सिस्टम डेवलप करते हैं तो समान प्रकार के अन्य सिस्टमों के बारे में जरूर जानकारी प्राप्त करते हैं और उन जानकारियों में से हम अच्छी चीजों को निकालने का प्रयास करते हैं। वहीं हमारी कोशिश ये रहती है कि अगर उन सिस्टम्स में किसी तरह की गलती की गई हो तो हम कोशिश करें कि हमारे सिस्टम में वो गलती ना हो। अन्य सिस्टमों के साथ साथ हमें अपने सिस्टम के बारे में भी जानकारी प्राप्त करनी होती है कि हमारे पास कितने स्रोत हैं, वित्तीय रूप से यानी फाइनेंशियल रूप से हमारी क्या कैपेबिलिटीज हैं, ओवरऑल हमारे सिस्टम और दूसरे सिस्टमों के बारे में डेप्थ में स्टडी करना, उनके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना, सूचनाओं को प्राप्त करना, ये सभी चीजें थर्ड स्टेप में यानी सिस्टम एनालिसिस में आती हैं। नेक्स्ट स्टेप है सिस्टम डिजाइन। जब हम अदर सिस्टम्स को एनालाइज कर लेते हैं, अपने सिस्टम के बारे में भी हम लोग नॉलेज रिसीव कर लेते हैं और कहीं ना कहीं हमें लगता है, हम लोग सेटिस्फाई हो जाते हैं कि हाँ, और हमें क्या बनाना है ये भी हम लोगों को पूरी तरह से क्लियर हो जाता है, तो फाइनली सिस्टम डिजाइनिंग के प्रोसेस शुरू होती है। यहाँ पर मैं एक बात बता दूं कि अभी तक जितनी भी स्टेप्स हमने पढ़ी हैं उन किसी भी स्टेप में डिजाइनिंग स्टार्ट नहीं हुई थी, केवल अभी तक पेपर वर्क ही चल रहा था। इस सिस्टम डिजाइन की प्रोसेस में हम फाइनली अपने सिस्टम को डिजाइन करना शुरू करेंगे। और सिस्टम को डिजाइन करना इसलिए भी जरूरी होता है क्योंकि एक बार अगर हमने सिस्टम को डेवलप करना शुरू कर दिया तो कुछ अगर मिस्टेक्स रह जाती हैं तो सिस्टम को नए सिरे से डिजाइन करना पड़ेगा। जैसे आप आमतौर पर जानते हैं कि मकान बनाने से पहले हम नक्शा बनवाते हैं, कोई भी कंप्यूटर का प्रोग्राम बनाने से पहले हम फ्लो चार्ट या एल्गोरिथम्स बनाते हैं। सिंपल सी बात यह है कि रियल में डेवलपमेंट करने से पहले उसकी डिजाइन को तैयार करना जरूरी है ताकि हमें क्लियरली स्पेसिफाई हो जाए कि एक के बाद एक स्टेप हमें फॉलो करने कैसे। सिस्टम डिजाइनिंग के दौरान हमें पूरी तरह से एक ओवरव्यू मिल जाता है अपने सिस्टम डेवलपमेंट को लेकर। यहां पर भी मैं बता दूं कि सिस्टम डिजाइनिंग भी अभी पेपर वर्क ही चल रहा है, अभी तक सिस्टम डिजाइन होना स्टार्ट हुआ नहीं है। अगला है स्टेप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। हाँ, इस स्टेप में कहा जा सकता है कि अब जरूर सिस्टम डेवलप होना शुरू होगा। तो सिस्टम डिजाइन के अनुसार यानी कि जैसा भी सिस्टम हमने डिजाइन करा है ठीक उस डिजाइन के अनुसार सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जाता है और इसी प्रोसेस को बोला जाता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। एक बार जब सॉफ्टवेयर डेवलप हो जाए तो सॉफ्टवेयर डेवलप होने के बाद ये जानना भी जरूरी होता है कि वाकई में सॉफ्टवेयर अपने उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है या नहीं कर रहा। तो रियल में उसको इम्प्लीमेंट करने से पहले जरूरी है कि उसकी टेस्टिंग की जाए। टेस्टिंग के दौरान ये जाना जाता है कि सिस्टम जिन उद्देश्यों को लेकर डिजाइन किया गया था वाकई में अपने वो कार्य पूरे कर पा रहा है या नहीं। अगर वो अपने उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर पा रहा है तो वापस से हमें डिजाइनिंग करनी होगी और उसको जो उसमें बग्स हैं, जो गलतियां हैं, उनको हटाने के लिए सिस्टम को रिडिजाइन किया जाएगा।
रीडिजाइन करने के बाद फिर से सिस्टम को डेवलप किया जाता है उस नए डिजाइन के अनुसार। डेवलपमेंट के बाद फिर से हमें टेस्टिंग करनी होगी। देखिए, टेस्टिंग की प्रक्रिया हर बार की जाएगी और तब तक की जाएगी जब तक कि सिस्टम हमें उद्देश्यों को प्राप्त करता हुआ दिखाई ना दे। जब ऐसा लगने लगे कि हाँ, सिस्टम पूरी तरह से अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कर रहा है और जिस सोच के साथ हमने उसको डिजाइन करा था, जिस समस्या का निवारण के लिए हमने उसको बनाया था, अगर वो ये सारी चीजें अचीव कर पा रहा है तो उसे टेस्टिंग में सफल माना जाएगा। और टेस्टिंग के बाद जब उसे रियल वे में, रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट किया जाता है, लागू किया जाता है, तब उस स्टेप को इम्प्लीमेंटेशन कहा जाता है, यानी कि लागू करना। कुल मिला के जब एक बार सिस्टम फाइनली डेवलप हो जाए, टेस्टिंग के दौरान सफल पाया जाए, तब हमें भरोसा हो जाता है कि अब ये जिन प्रयोजनों के साथ, जिन पर्पजेस के साथ डिजाइन किया गया था, वो अब अचीव कर ही लेगा। तो इस आशा के साथ हम उस सिस्टम को रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर देते हैं। अच्छा, एक बार अगर हमने सिस्टम इम्प्लीमेंट कर दिया तो यही बात खत्म नहीं होती। सिस्टम इम्प्लीमेंट करने के बाद उसे लगातार रखरखाव की जरूरत है। अगर लगातार रखरखाव नहीं किया जाएगा तो या तो वो काम करना ही बंद कर देगा, या फिर अगर वो काम करेगा भी तो हो सकता है कि उद्देश्यों की पूर्ति ना करे। तो कहने का मतलब ये है कि सिस्टम डेवलपमेंट की लाइफ साइकिल में इम्प्लीमेंटेशन ही एंड नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन के बाद उस सिस्टम का लगातार रखरखाव करते रहना, ये मेंटेनेंस कहलाता है। मेंटेनेंस चलता रहेगा जब तक सिस्टम की लाइफ रहेगी, ये समझ लिया जाना चाहिए। सिस्टम की लाइफ खत्म हो जाएगी अगर उसे उचित रखरखाव नहीं मिलेगा। मेंटेनेंस के साथ ही जिस तरह मेंटेनेंस एक लॉन्ग टाइम चलने वाली प्रोसेस है, उसी तरह से रिव्यू भी एक लॉन्ग टाइम चलने वाली प्रोसेस है। रिव्यू एक ऐसी स्टेज है जिसे हम फीडबैक के नाम से भी जानते हैं। फीडबैक के दौरान जो सिस्टम हमने बनाया है उसके बारे में लगातार हम उसके यूजर्स से जानकारी लेते रहते हैं कि वो इस सिस्टम से सेटिस्फाई हैं या नहीं है। लगातार जो हमें सुझाव मिलते हैं उन सुझाव के हिसाब से सिस्टम को लगातार ऑप्टिमाइज किया जाता है, उसमें संशोधन यानी कि उसको रीडिजाइन करते रहते हैं ताकि यूजर के रिव्यूज के हिसाब से भी वो अपडेट होता रहे। समय के साथ साथ सिस्टम को अपडेट करने की जरूरत होती है, तो ये रिव्यूज हमें काफी ज्यादा हेल्प करते हैं सिस्टम को अपडेट करने में। तो जब तक सिस्टम चलेगा तब तक उसका मेंटेनेंस करना तो एक कंपलसरी प्रोसेस है। मेंटेनेंस नहीं होगा तो सिस्टम या तो काम करना ही बंद कर देगा या उचित रीति से काम नहीं कर पाएगा। रिव्यू लेना एक ऑप्शनल प्रोसेस है, ये मतलब आपकी इच्छा है, आप रिव्यू लेना चाहें तो लें, नहीं लेना चाहें तो ना लें। हालांकि इस प्रोसेस का कोई सिस्टम की लाइफ साइकिल पर प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन एक अच्छे सिस्टम के लिए बहुत जरूरी है कि समय समय पर रिव्यूज लेते जाएं।